उड़े नहीं आना चाहिए। तो गैस ये जो है 4 कंटेनर वाला है और ये जो है इंसुलेटेड है, मतलब ये 4 घंटे तक इसमें मतलब खाना गर्म भी रहेगा बहुत देर तक, और बढ़िया प्लास्टिक से बना है, हाइजीन वगैरह मेंटेन वटन किया है, कैरी करने के लिए आसान रहेगा। 1 साल का वारंटी है इसमें, 4 डिब्बी होंगे इसमें। देखिए इसमें बेल्ट भी लगा है, वो पकड़ने वाली है, इसलिए मैं खोल के दिखाता हूँ गैस। इसका जो है MRP इस पर दिखा हुआ है 980 रुपया। ये गाइस हमने ये कलर लिया है, बहुत ही प्यारा कलर है। गाइस ये मिल्टन का है, और गाइस ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छी फिनिशिंग की है। गाइस इसका लेने का मेन कारण मेरा यही है, यहाँ पे किनारे में जो है पूरा ये बंद है, आप लोग देख सकते हो ये पूरा बंद है। नहीं और से जो है आते हैं टिफिन प्रॉपर टाइम वाले पहले वाले, उसमें यहाँ पे जगह होती है जिसमें जो है हमारी कुछ भी ग्रेवी होती है या दाल का जूस वगैरह सभी यहीं पे जो है जाके इसमें चला जाता है, और फिर यहीं पर जो है जमा रहता है, निकाल नहीं सकते हम लोग उसको, सही से गंदा ही रहता है, और फिर हो सके उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया भी पनप रहते हैं। इसलिए गैस मैंने इसको जो है लिया है, पुराना मैंने अपना बंद कर दिया, उसमें जो है ऐसे ही स्पेस में जो है ग्रेवी वगैरह भर जाता था गैस। गैस चलिए हम लोग इस पर आ जाते हैं। ये देखिए नीचे से वो चौड़ा है थोड़ा, ऊपर से पतला है, और ये एकदम एक नंबर है। यहाँ पे लगा है कि ये निकलेगा नहीं गैस, जिससे ये बहुत अच्छे से मोड़ा हुआ है फिल्टर में। ये आप सेलो में लोगे तो जो है नहीं मिलेगा आपको ऐसे, और यहाँ पर देखिए गैस ये ऐसे मोड़ा है ताकि जो है लीक खुलेगा भी नहीं, क्या आप रखते हो तो ये अपने आप भी खुल जाए और गिर जाए कुछ भी। इसमें 4 कंटेनर है इसमें, और इसकी प्लेट काफ़ी गहरी है, इस पर जिससे आप एक में खाना रख रहे हो तो इस पर ऐसे ऐसे करके ये टेढ़ा भी नहीं होता गैस, अगर में जो है कम गहराई हो तो गिर जाता है, रखते नहीं बनता है। मिल्टन का है, S1 लिखा है इसके अंदर, देखिए गैस गाइस। अगर आपको पसंद लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और डिटेल्स के लिए जानकारी के लिए पूछें मुझे।